पुतिन की वो तस्वीरें याद करते थे, उनकी फिटनेस, उनका मार्शल आर्ट्स, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन अब जेलेंस्की ने जो कुछ किया है, अब कोई चाहे या न चाहे, लेकिन कमोवेश वैसा ही कद एक बनाकर अपना बगल में खड़े हैं कि मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, लड़ूंगा। या ये तो खत बिल्कुल किया है। जहां तक मीडिया का सवाल है, हाँ। जो आप लोग का सवाल है, तो इसमें मैं एक कोट कर सकता हूँ। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि अभी कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हैं, मुश्किल से 0.05% डेथ्स होती हैं, और हार्ट अटैक से 37% होती हैं हार्ट अटैक से। मीडिया कवरेज इज नियरली 40% फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड 0.05% फॉर अदर एक्टिविटीज। सो मीडिया कैन ब्रिंग द वॉर टू द होम्स। तो एक तो ये बात होती है। जेलेंस्की साहब का खत इसलिए बढ़ा है कि उनको मीडिया एक्सपोजर बहुत मिला है और विक्टिमहुड सिंड्रोम भी उनके साथ है। ये सब मानते हैं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, वो तो हम सब मानते हैं, क्योंकि जहां एग्रेशन होगा, लड़ाई होगी, सबका नुकसान होगा। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि उस कद को अब जेलेंस्की को भी सोचना पड़ेगा कि सारा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उनके ही एरिया में हो रहा है। उनका जो उनका देश है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उसमें इतने डैमेजेस हो गए हैं, उनके लोग रिफ्यूजीज हो गए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जो 18 से 60 साल के लोग हैं वो नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। कितनी क्राइसिस खड़ी हो गई है जो हीट ऑफ द मोमेंट में अभी मालूम नहीं हो रही है, इसको सेटल होने बहुत टाइम लगेगा। और इस बात को सोच करके उनको भी एक डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिप्लोमेसी वी कैन ओनली साइलेंस द गन्स, अब वो कैसे होगी उसके लिए दोनों को बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा आधा अधूरा, एक तरफ हमने शांति की बात की और दूसरी तरफ मैं ऐसी बात उसी सेंटेंस में सेमी कॉलन के बाद ऐसी बात की जिससे कि और भड़क जाए मामला। एंडलेस सप्लाई ऑफ वेपन्स अगर ये कहीं भी मिलता रहेगा, और मोटिवेशन जेलेंस्की वो हीरो जरूर इमोशनल, उन्होंने इमोशनली विन ओवर कर लिया, डायलॉग्स अच्छे बोले उन्होंने, इमोशनली पूरा विन ओवर कर लिया। जहां तक मीडिया, वो मीडिया के आदमी हैं, उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने एक डीमन भी क्रिएट कर दिया है। डेविल इज क्रिएटेड नाउ, वेदर ही वाज अ डेविल और नॉट, बट नाउ डेविल एग्जिस्ट, सो हीरो एग्जिस्ट। तो हम सब चाहते हैं कि डेविल हार जाए, लेकिन इस डेविल के हारने में क्या ह्यूमैनिटी बच जाएगी, क्या हमें अभी भी नहीं सोचना है ठंडे दिमाग से? और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा था, मैं आपको बताता हूँ उस बारे में कि वो क्यों कह ये मैसेज दे रहे हैं, बेटी गई, बैंक गया, बाकी गए, और ये जो आ रही मैसेजेस आ रहे हैं, इसका रीजन ये है वो चाहते हैं कि पुतिन शुड नॉट रिमेन इन द रूलिंग पोजिशन, ये कहा था उन्होंने, नाटो में कह दिया था। अब वो अगर वो डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं, वो डिनाई करने डिनाई तो उनके उनके व्हाइट हाउस कर रहा था ना, प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया अपने मुंह से। उसके बाद उन्होंने ये, अब उनका क्या अप्रोच हो सकती है, हम लोग तो एनालाइज ही करते हैं। अप्रोच ये हो सकती है कि वो डिवाइड लाएं कि ओलिगार्क्स हैं, उनको हमने कब्जे में किया है, उनको सब डिनाई किया है, जो कॉमन पीपल ऑफ रशिया है उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर अपराइजिंग होती है रशिया में, अगर ये वॉर लंबी चलती है, ये भी इसका एक पहलू है कि वहां अपराइजिंग होती है, अपराइजिंग होती है तो अपने आप रेजिम चेंज हो जाएगा। आप रेजिम चेंज करने यहां आए थे, हाँ। आपका अपना रेजिम चेंज हो गया। कोशिश तो पुतिन की भी यही थी, हाँ। कि आम लोगों को टारगेट न किया जाए और वहां की सेना को सिर्फ और डिमिलिटराइज किया जाए। लेकिन तो ये भी एक मसला है श्वेता, हाँ। ये भी एक मसला है, ये भी हो सकता है जो अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एक डिवाइड वहां आ गया तो इस तरह की चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, वॉर में तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं।